गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज दोबारा हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के टॉपिक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दो, जिसमें नंबर एक था कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन और दूसरा था हमारे पास डिसोसिएशन। जो तीन टाइप थे आगे, थर्मल डिसोसिएशन, इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन और फोटोलाइटिक या इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डिसोसिएशन। आज हम थर्ड टाइप पढ़ेंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मीन जब कोई एक एलिमेंट किसी कंपाउंड में से या किसी साल्ट में से उसके एक आइडेंटिटी को रिप्लेस कर दे। जैसे बात करें कि ए भी एक हमारे पास साल्ट है, अगर सी के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाए और सी मोर रिएक्टिव है ए से, इफ सी इज मोर रिएक्टिव देन ए, तो सी क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा उसे। रिप्लेस करने के बाद नया साल्ट क्या बनेगा, सी बी प्लस ए। दिस काइंड ऑफ रिएक्शन नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं, जिंक है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा। एज वी ऑल नो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट विल डिस्प्लेस फ्रॉम कॉपर सल्फेट और हमारे पास नया साल्ट बनेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। सेम रिएक्शन आप आयरन के साथ भी ले सकते हो, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स FeSO4 प्लस कॉपर। अच्छा, एक चीज और, यहां मेन डिपेंडेंस किसकी रहेगी, डिपेंडेंस रहेगी हमारे पास कि रिएक्टिविटी सीरीज को फॉलो करने वाले होने चाहिए एलिमेंट। मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर सकता है। अगर आप ये कहते हो कि कॉपर आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन करके कॉपर सल्फेट बना लेगा और आयरन बाहर निकलेगा, तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। फोर्थ टाइप हमारे पास आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब दो साल्ट जैसे ए बी है और सी बी दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, अपने सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को इंटरचेंज करके नया प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे ए जाएगा बी के साथ और बी जाएगा सी के साथ, तो क्या बनेगा, सी बी। अच्छा, एक चीज और, आपने देखा कि ए डी बना रहा है और बी सी की बजाय सी बी लिखा है मैंने, इसका कारण है क्योंकि किसी भी साल्ट में, जैसे मैं कोई साल्ट लेता हूँ ए बी, तो जो फर्स्ट पार्ट है वो पॉजिटिव का होता है और सेकेंड पार्ट नेगेटिव का। इसी प्रकार सी डी में भी क्या होगा, फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव और सेकेंड नेगेटिव, और जब दोबारा साल्ट बनेंगे तो पहले पॉजिटिव का लिखा जाएगा, तो ए जाएगा हमारे डी के पास, तो पहले पॉजिटिव का फिर नेगेटिव, और सेम दूसरी कंडीशन में पहले पॉजिटिव कौन, सी, और देन नेगेटिव बी। कोई डाउट इस पे, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस BaCl2 बैरियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बन जाएगा एंड दो Na, दो क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, 2NaCl और Ba किसके साथ जाएगा, SO4 के साथ, और हमारे पास बनेगा बैरियम सल्फेट। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है अगर किसी भी रिएक्शन में कोई आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट के साथ अनडिसॉल्व सब्सटेंस नीचे बचा रह जाए, जो डिसॉल्व नहीं होता बाकी प्रोडक्ट के साथ, तो रिएक्शन होगी प्रेसिपिटेट रिएक्शन। सिंपल सी डेफिनेशन है, ए रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स अ प्रेसिपिटेट इन, ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट भी बनता है। प्रेसिपिटेट माने अनडिसॉल्व साल्ट या अनडिसॉल्व कंपाउंड, जो रिएक्शन में डिसॉल्व, जो प्रोडक्ट के साथ डिसॉल्व नहीं होता, उसे बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे PbNO3, लेड नाइट्रेट लिया हमने और
पोटेशियम आयोडाइड के साथ, Ki के साथ, तो इसमें Pb कहाँ जाएगा? आयोडीन के साथ Pb I2 बनाएगा, क्योंकि आयोडीन दो थे। उसके बाद दो के दो पोटेशियम दो नाइट्रेट मॉलिक्यूल के साथ के KNO3 बनाएंगे। तो यहाँ PbI2 जो है वो मैंने डाउन एरो के साथ दिखाया है। डाउन एरो रिप्रेजेंट साइन ऑफ प्रेसिपिटेट। किसी भी सब्सटेंस के पास या रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के पास अगर डाउन एरो लिखा है, तो डाउन एरो का मतलब है कि वो अनडिसॉल्व है, घुल नहीं रहा। और अगर अपर एरो लगता है, इसका मतलब है कि वो गैस है और एनवायरनमेंट में लिबरेट हो गई। अगली रिएक्शन हमारे पास आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का ऐड होना। नाम से पता चलता है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का ऐड होना। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है वो, जैसे C+O2 CO2, तो यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये कार्बन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरी चीज, अगर किसी रिएक्शन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो वो भी ऑक्सीडेशन ही होगी। जैसे CH4+Cl2 लेता हूं मैं, यहां से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ बाहर निकलेगा, HCl बनाएगा, बाकी क्या बचा? एक कार्बन, तीन हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। तो CH4 ने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, दैट मींस इसका क्या हुआ हमारे पास? ऑक्सीडेशन हुआ। वाइस वर्सा इसके साथ ही एक रिएक्शन हुआ है जिसे बोला जाता है रिडक्शन। रिडक्शन अगर आप ऑक्सीडेशन को अच्छे से लर्न कर लेते हो तो रिडक्शन ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन में जहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था वहीं यहां होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कल भी हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी। अगर ये थर्मल डिकम्पोजिशन इसका करवाएंगे, डिसोसिएशन करवाएंगे, तो टूट कर बनाएगा CaO+CO2। यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बोनेट में तीन ऑक्सीजन थे, जबकि यहाँ कैल्शियम के साथ केवल एक ऑक्सीजन है। दैट मीन्स इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। वाइस वर्सा इसका होगा कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, ऑक्सीडेशन, तो यहां हमारे पास आ जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब 2H2+O2 गिव्स 2H2। पहले ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन अब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। यहां तक बेटा इसके बाद बात करते हैं, इन दोनों रिएक्शन को मिलाकर एक नई रिएक्शन बनाई है जिसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, ये रिडक्शन के रेड से और ऑक्सीडेशन के ऑक्स से। रिएक्शन विच इन्वॉल्व both oxidation and reduction। जैसा अभी हमने रिएक्शन पढ़ी वाटर फॉर्मेशन की, 2H2+O2 क्या बना रहा है? 2H2। यहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ एड हो रहा है, तो ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से एड हो रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या है? ऑक्सीडेशन। एक इसका वर्ल्ड फेमस एग्जांपल है कि जब जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है, तो ये बनाता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। डिस्प्लेसमेंट में भी आप पढ़ोगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भी पढ़ोगे ये रिएक्शन, रेडॉक्स में भी आप पढ़ सकते हो। तो यहां जिंक के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन आफ्टर रिएक्शन इसके पास ऑक्सीजन गेन हो गए, तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन। कॉपर सल्फेट में पहले ऑक्सीजन था, लेकिन बाद में ऑक्सीजन रिमूव हो गया, इट मींस ये कर रहा है अपना रिडक्शन। तो दोनों रिएक्शन एक ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी। सो इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन।
बात करेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। जैसे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मैं पहले भी बता चुका हूं फर्स्ट पार्ट में कि इक्वेशन का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन को सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। मान लो सिंपल सी कोई रिएक्शन है, अगर आप उसको इस तरीके से लिखते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिसोसिएट होकर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनाएगा। इनिशियली क्या था, हम इसे वर्ड्स में लिखते थे कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट ब्रेक डाउन इन टू पार्ट्स व्हिच आर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। आई थिंक इसे लिखने में ज्यादा समय लगा होगा। और इसी चीज को अगर हम सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का सिंबल Ca, कार्बोनेट का CO3, प्रोडक्ट बनते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, तो ये इजी हो जाता है। इजी हमारे लिए है, लेकिन जब आप केमिकल इक्वेशन को राइट करते हो तो वहां बहुत सी छोटी छोटी गलती होती है। नंबर एक जो हमारे लिए सबसे जरूरी है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है? आपने इतनी रिएक्शंस देखी जिसमें मैंने कहीं आगे 2 लगाया है, किसी के आगे 3 है, किसी के ब्रैकेट पे 2 है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है। मास कंजर्वेशन लॉ, आप 9th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब एक एग्जांपल है, यही एग्जांपल मैं दोबारा ले रहा हूं, CaCO3 थर्मल डिसोसिएशन के बाद बनाता है CaO + CO2। कैल्शियम का मास मुझे मालूम है कि 40 यूनिट है, कार्बन का मास 12 यूनिट, ऑक्सीजन का मास है 16 यूनिट। मैं बिफोर रिएक्शन बात करता हूं, बिफोर रिएक्शन कैल्शियम का मास 40, कार्बन 1 है तो 12, ऑक्सीजन 3 है तो 3 × 16, ऐड करने पे बिफोर रिएक्शन इसका मास आता है 100 यूनिट। आफ्टर रिएक्शन देखें, कैल्शियम 40, ऑक्सीजन 16, ओवरऑल 56, यहां कार्बन 12, 2 × 16, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है हमारे पास, तो ये होगा 44, ऐड करने पे 100 यूनिट। दैट मींस बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन मास इज इक्वल, देयर इज नो चेंज इन मास, इट मींस दिस रिएक्शन फ्लो सॉरी फॉलो मास कंजर्वेशन लॉ। अब इसी चीज को एक सेकंड इक्वेशन से समझेंगे कि व्हेन आयरन रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म रस्ट मींस Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। अब यहां अगर आप देखें तो आयरन का मास है 56 यूनिट, हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट, ऑक्सीजन का वी ऑल नो 16 यूनिट। बिफोर रिएक्शन मास काउंट करते हैं, 56, दो हाइड्रोजन है तो इनका हो जाएगा 2 × 1 प्लस एक ऑक्सीजन है तो 16, कितना हुआ 18 प्लस 56 74। आफ्टर रिएक्शन 3 × 56 प्लस 4 × 16 प्लस 2 × 1, मल्टीप्लाई 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 और देन ऐड करेंगे तो मोर देन 74 आ रहा है, यानी ये रिएक्शन मास कंजर्वेशन लॉ को फॉलो नहीं करती। नाउ वी हैव टू बैलेंस इट, क्योंकि जब तक हम इसे बैलेंस नहीं करेंगे ये रिएक्शन मास कंजर्वेशन लॉ को फॉलो नहीं करेगी। बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप है, आपको बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ एक एक एलिमेंट चूज करो, उनकी काउंटिंग करो कि लेफ्ट साइड को कितना है और राइट साइड को कितना है, उसके बाद आप सिर्फ मल्टीप्लाई ही कर सकते हो, आप किसी के पैरों में या किसी की पावर में कुछ नहीं लगा सकते। जैसे मैं यहां काउंट करूं कि Fe1 है, यहां Fe3 है, तो मैं मेरे फर्स्ट स्टेप में यहां 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, आयरन यहाँ 3 हो गए, यहाँ 3। अब बात करते हैं दूसरा, ऑक्सीजन ले, ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ 1, तो सेकंड स्टेप में मैं ऑक्सीजन को बैलेंस
करूंगा, अब यहां देखिए यहां ऑक्सीजन चार थे और यहां ऑक्सीजन एक है, तो मैं H2O को चार से मल्टीप्लाई करूंगा, कारण क्योंकि यहां ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में है हाइड्रोजन के साथ। थर्ड स्टेप में अब आयरन बैलेंस है मेरे पास तीन और राइट साइड पे तीन, ऑक्सीजन चार यहां चार इस तरफ। अब हाइड्रोजन काउंट करते हैं, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन H2 कितना है 4 टाइम्स और यहां H2 1 टाइम्स, तो राइट साइड में आप H2 को बैलेंस करेंगे Fe3O4 प्लस 4H2, यहां 8 हाइड्रोजन हुए और राइट साइड में भी 8 हाइड्रोजन। अब ये रिएक्शन बैलेंस है, आप सेम एटॉमिक मास रख के लेफ्ट और राइट में मास निकालिए, डैम श्योर कि मास कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करेगा। टॉपिक हमारे पास है क्रोइसन। क्रोइसन आपने कॉमन एक हिंदी में वर्ड सुना होगा, घर में हम अक्सर सुनते हैं जंग लगना, कि घर पे जो खिड़की दरवाजे जो आयरन या मेटल के कोई भी सब्सटेंस है वो धीरे धीरे रस्टिंग करना शुरू कर देते हैं, उन पे जंग लगना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेटल की एक प्रॉपर्टी है, मेटल जब एयर ह्यूमिडिटी या एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बना लेता है, और मेटल ऑक्साइड को ही हम बोलते हैं कि ये उसकी रस्टिंग होनी शुरू होगी। जैसे सिल्वर है, सिल्वर रस्टिंग करेगा तो सिल्वर का रंग क्या होता है, थोड़े समय बाद सिल्वर ब्लैक हो जाता है क्योंकि वो अपना ऑक्साइड बना लेता है। सिल्वर यानी एजी, एजी जब ऑक्सीजन के साथ एयर के साथ रिएक्शन करता है तो सिल्वर ऑक्साइड ब्लैक कलर की हो जाती है। चांदी, घरों में जो ऑर्नामेंट्स यूज करते हैं चांदी के, वो ब्लैक हो जाती है। इसके बाद कॉपर है, वो भी अपना ऑक्साइड बना लेता है CuO, कॉपर ऑक्साइड करके। ग्रीन कलर की बनती है ये, घर में कॉपर के जो तांबे के जो बर्तन है उन बर्तनों के ऊपर ग्रीन कलर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद कॉमनली अभी हमने एग्जांपल देखा कि जब आयरन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है तो रस्ट बना लेता है ब्राउन कलर की, ये है रस्ट यानी कि जंग, ब्राउन कलर हो गया इसका। पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था कि कलर आपको मालूम होने चाहिए क्योंकि सीबीएसई में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है या पहले ही बता दिया जाता है कि इस कलर का सब्सटेंस है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अपना ऑक्साइड बना रहा है, तो आपको मेन कलर पता होना जरूरी है। अगला टॉपिक हमारे पास आता है, अच्छा इसके प्रिवेंशन के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रिवेंशन के लिए हम यूज करते हैं, आप वैक्स यूज करते हैं बहुत सी जगह, ऑयल यूज करते हैं, पेंट यूज करते हैं, जिंक पॉलिश यूज करते हैं या एलोयनेशन करते हैं, इसका एलोय बनाते हैं। एलोय मतलब मेटल में कोई नॉन मेटल की इंप्योरिटी मिलाकर उसे बना लिया जाता है ताकि वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करे, बिकॉज मेटल आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर और नॉन मेटल आर लेस रिएक्टिव, सो मेटल और नॉन मेटल मिलाते ही नॉन मेटल अपना इफेक्ट शुरू कर देता है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल को डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब मैं पहले जनरल वे में समझाऊंगा कि घर पे जब आप कोई चिप्स का या कुरकुरे का पैकेट लेकर आते हो और वो पैकेट खुला रह जाए तो कुछ समय बाद उसकी जो क्रिस्पीनेस है वो खत्म हो जाती है, या कोई भी आप ऑयली कंपाउंड, ऑयली सब्सटेंस, ऑयली फूड मैटर अगर आप तैयार करते हो तो वो भी एयर की प्रेजेंस में, ओपन एयर की प्रेजेंस में रहने से वो स्मेल करने लगता है या खराब हो जाता है। तो रेंसिडिटी का मतलब भी यही है कि जब ऑयली और फैटी सब्सटेंस ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आते हैं तो अपने ऑक्साइड बनाते हैं जिससे उनमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है, उनकी क्रिस्पीनेस खत्म हो जाती है, उनका जो टेक्सचर है वो खत्म हो जाता है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए क्या किया जाता है, आप देखोगे कि 20 रुपए का कुरकुरे का पैकेट लाते हैं तो उसमें कुरकुरे कम और हवा ज्यादा होती है और वो हवा है नाइट्रोजन गैस, ये वही गैस है जो प्रिवेंट करती है कि आपका ऑयली और फैटी सब्सटेंस अपना ऑक्साइड नहीं बनाए और खाना जो है वो अच्छे से तैयार है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। कुछ माइनर टॉपिक्स मैंने बीच में छोड़ दिए हैं, वो टॉपिक आप जब रीड करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे, इनसे रिलेवेंट ही है। दूसरी चीज, अगला चैप्टर आपका नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा,
इस वीडियो में कंप्लीट है चैप्टर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।